लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नया संसद भवन बनाने का रखा प्रस्ताव, शहरी विकास मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में संसद की बिल्डिंग पुरानी होने का दिया हवाला, संसद की नई इमारत के लिए दो जगह का प्रस्ताव। आज लखनऊ में गृहमंत्री राजनाथ सिंह रखेंगे एनआईए बिल्डिंग की आधारशिला, दफ्तर के साथ साथ सरकारी आवास का भी निर्माण एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। पटेल आंदोलन के मुखिया हार्दिक पटेल की जेल से रिहाई की मांग पर दो समर्थक का आमरण अनशन, रिहाई तक अनशन पर बैठने का ऐलान। झारखंड में बीजेपी सरकार ने पूरे किए एक साल, आज सीएम रघुवर दास जारी करेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे नया खुलासा, डीडीसीए मामले में पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से हुए थे सस्पेंड। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस, पार्टी मुख्यालय में होंगे विशेष कार्यक्रम, 131 साल ही हुए हैं कांग्रेस। ऑटो परमिट घोटाले को लेकर आज दिल्ली के ऑटो चालक का केजरीवाल के घर के बाहर करेंगे प्रदर्शन, ऑटो चालकों का आरोप आवेदकों की जगह डीलरों को भेजा जा रहा है परमिट। ऑड इवन फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में जुटी दिल्ली सरकार ने बसों के टारगेट को किया था, अब 6000 बसों की जगह ली जाएंगी सिर्फ 3000 बसें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नवासी की शादी में मोदी का दिया साफा बांधा, पीटीआई के हवाले से खबर। डीडीसी घोटाले पर दिल्ली सरकार की जांच कमेटी की रिपोर्ट में अरुण जेटली का नाम नहीं आने पर बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा 10 करोड़ देने के लिए तैयार है। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा केजरीवाल ने गलत नंबर डायल कर दिया है, अब मानहानि के 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने कहा खुद केजरीवाल के जांच आयोग ने जेटली का नाम नहीं लिया, अब केजरीवाल जेटली से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। एमजे अकबर ने कहा 21 मार्च 2013 की रिपोर्ट में कांग्रेस ने भी की कोशिश की थी लेकिन जेटली के खिलाफ तिनका पर भी नहीं कुछ निकला। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी के लोग जेटली को क्लीन चिट दे रहे हैं लेकिन जेटली जांच से क्यों भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर डीएमके ने भी लोगों से चुनाव लड़ने के लिए मांगा चंदा, कार्यकर्ताओं से डोनेट कर फंड में इजाफा करने की अपील की। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों की खुदकुशी के लिए राजनीतिक कारणों को बताया गलत, कहा आत्महत्या के पीछे सामाजिक आर्थिक कारण। गडकरी का बयान खेती की हालत सुधरेगी तो किसान नहीं करेंगे आत्महत्या, गांव को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों से भी हालात में आएगा सुधार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा नागपुर मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर बनने से किसानों को होगा जबरदस्त आर्थिक फायदा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चिकल दरा को पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की घोषणा की, राज्य सरकार 800 करोड़ की लाएगी विशेष पैकेज। इकतीस दिसंबर को दिल्ली हापुड़ नेशनल हाईवे का शिलान्यास करेंगे नोएडा आएंगे पीएम मोदी, सेक्टर 62 में होगा कार्यक्रम। दिल्ली से हापुड़ तक बनाया जा रहा है 16 लेन का हाईवे, पीएम के दौरे को लेकर होगी कड़ी सुरक्षा। राम माधव के अखंड भारत वाले बयान से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला, कहा राम माधव ने रखे अपने निजी विचार। एमआईएम के नेता असुद्दीन ओवैसी ने कहा राम माधव के बयान से हैरानी नहीं, संघ के लोग पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान महासंगठन बन सकते हैं, तीनों के साथ आने से आतंकवाद खत्म होगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान आतंकी संगठन आईएस कभी भी भारत में मजबूत नहीं हो सकता। राजनाथ ने कहा हमें भारत की सांस्कृतिक ताकत पर भरोसा है, भारतीय मुसलमान बच्चों को आईएस में नहीं जाने देंगे। लखनऊ में एक कार्यक्रम में राजनाथ ने मुंबई के परिवार का किया जिक्र, कहा परिवार ने पुलिस को बच्चों की दी थी जानकारी। हैदराबाद में निकाय चुनाव में ओवैसी ने खेला हैदराबादी कार्ड, कहा हैदराबादी लोगों का वोट हैदराबादी उम्मीदवारों को ही मिले।
ओवैसी ने कहा बिहार में नीतीश ने कहा था बिहारी वोट बाहरी लोगों को अब ना मिले, अब आप यहां किसे वोट देंगे? ओवैसी से बड़ा हैदराबादी कोई नहीं। राजस्थान के बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जारी रहेगा कर्फ्यू। बीकानेर के डीएम ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर 2 महीने तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक परिवार ने पाकिस्तान से आई गीता को बताया अपनी बेटी, आना की परिवार के पास नहीं है बच्ची का कोई फोटो। नए साल के मौके पर राजधानी दिल्ली की बड़ी सुरक्षा, कैनॉट प्लेस में रात के वक्त तैनात रहेंगे 300 जवान। दिल्ली पुलिस पब और डिस्कोथेक पर भी रखेगी नजर, सादे लिबास में पुलिस के जवानों की होगी तैनाती। दिल्ली के हर चौराहे पर तैनात रहेगी पीसीआर वैन, कोबरा फोर्स की भी होगी तैनाती। राजस्थान के जैसलमेर में जासूसी के आरोप में पकड़ा गया पटवारी, पहले फौज में भी कर चुका है काम। जैसलमेर में आर्मी बेस के पास पकड़ा गया गोवर्धन राम, आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप। आरोपी पटवारी को राजस्थान एटीएस ने किया गिरफ्तार, गोवर्धन पर सीमा पार गुप्त सूचनाएं पहुंचाने का आरोप। जम्मू के पुंछ में सेना ने एक पुल को उड़ाने की साजिश को किया नाकाम, सखी पीर मैदान पुल के नीचे प्रेशर कुकर में रखा था विस्फोटक। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक प्रेशर कुकर के अंदर 5 किलो TNT रखा गया था, सेना के बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को किया निष्क्रिय। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के सालाना सम्मेलन का किया उद्घाटन, बोले ऐसी नीति बनाए जिससे विकास के साथ रोजगार के अवसर भी मिले। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने असम दौरे पर तमो गोगोई सरकार पर साधा निशाना, कहा धर्म जाति पर आधारित पक्षपातपूर्ण राजनीति नहीं करती बीजेपी। रांची में 7वें वनवासी खेल महोत्सव शुरू, 33 राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, जनजाति खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप की सुविधा जल्द देने की घोषणा। उत्तर प्रदेश में DGP ने मॉडल थाने की रखी आधारशिला, 4 करोड़ की लागत से बनेगा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थाना। जोशीमठ में ITBP के कपड़ों में के गोदाम में लगी आग, 3 घंटे में पूरा थाना जलकर हुआ खाक, ITBP को करोड़ों का नुकसान। बिहार के वैशाली में संगठन चुनाव के दौरान RJD कार्यकर्ताओं में 2 गुटों में भिड़ंत, एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मनहर और बिंदुपुर ब्लॉक अध्यक्ष के नामों के ऐलान के बाद हुई झड़प, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने चुनाव कराने पहुंचे RJD नेता को खदेड़ कर भगाया। बिहार के समस्तीपुर में शराबी पति की करतूत, शराब पीने के लिए पैसे न देने पर पत्नी को मारा। दरभंगा में दौरे इंजीनियर हत्याकांड में STF ने की पहली गिरफ्तारी, कल पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया था। इंजीनियर की हत्या के बाद दरभंगा में सड़क निर्माण से जुड़े 300 कर्मचारियों ने रोका काम, डर के मारे कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई कर्मचारी शहर छोड़कर गए। दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या के बाद जांच के लिए पटना से दरभंगा पहुंची एसटीएफ की टीम, SP शिवदीप लांडे के नेतृत्व में हो रही है जांच। बिहार में अपराधियों का फिर दिखा दबदबा, रंगदारी के लिए सीतामढ़ी में डॉक्टर के क्लिनिक पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। बिहार के रोहतास में हॉरर किलिंग का मामला, 2 भतीजों ने मिलकर अपने चाचा, उसकी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा। बिहार के समस्तीपुर में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला जुर्म। इटावा में सिग्नल ठीक कराने रेलवे के 2 इंजीनियरों की ट्रेन से कटकर मौत, एक कर्मचारी ने पुल के नीचे लटक कर बचाई जान। निर्मल बाबा पर केस दायर करने वाले शख्स को ब्लैकमेलिंग के आरोप में किया गया गिरफ्तार, केस वापस लेने के लिए 50 लाख रुपए मांगने का आरोप। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर एक्साइज डिपार्टमेंट का छापा, 50 लाख के अवैध शराब जब्त। राजस्थान के नागौर में 3 करोड़ के कॉपर से भरे ट्रेलर को लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने 2 और अपराधियों की तलाश की। दिल्ली में 4 साल की मासूम के साथ छेड़खानी का सनसनीखेज मामला, 65 साल के बुजुर्ग पर लगा आरोप।
मुंबई के मालवाड़ी में घर में घुसकर महिला के साथ रेप करने की कोशिश। महिला के हंगामे के बाद पड़ोसियों ने आरोपी को जमकर धोना। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में व्हील चेयर से गिरकर एक गर्भवती महिला की मौत। हादसे का शिकार हुई माधवी की उम्र महज 20 साल। यूपी के मिर्जापुर में LIC एजेंट लड़की से क्लेम के बदले गलत आरोप लगाने में गिरफ्तार। लड़की ने आरोपी LIC एजेंट का किया स्टिंग। पुलिस को फोन पर हुई बातचीत कर दी रिकॉर्डिंग। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने चावल लुटेरों के एक गैंग को पकड़ा। 9 सदस्यों की हुई गिरफ्तारी। चोरी की 300 बोरी चावल बरामद। दिल्ली में पार्किंग में खड़ी 3 गाड़ियों में अचानक लगी आग। सर्दी से बचने के लिए आग जलाने से हुआ हादसा। कानपुर में अवैध रेत के डंपर को रुकवाने पर सरकारी अफसर की पिटाई। समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर लगा आरोप। मध्य प्रदेश के बालाघाट में करोड़ों के पेड़ की अवैध कटाई। सरकार को लगा 500 करोड़ का चूना। मामले की जांच कर रही STI की टीम ने 1000 कटे पेड़ को किया जब्त। 180 करोड़ की लकड़ी सिर्फ एक तस्कर से बरामद। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी से पहले शौचालय बनाने पर अड़ी लड़की। दूल्हे ने शौचालय निर्माण कराने का लिया फैसला। दूल्हे की तीसरी शादी। पहली दो पत्नियों ने शौचालय नहीं होने की वजह से दिया था तलाक। तीसरी शादी से पहले ब्रजलाल को बनवाना पड़ा शौचालय। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में देर रात गोलीबारी। पुलिस ने दो लोगों को पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार। गुजरात वडोदरा में दिव्यांग बच्चों के लिए जॉय राइड का आयोजन। बच्चों को ट्रेन के जरिए कराई गई जॉय राइड। 100 से ज्यादा शौचालय बनाकर बिहार के भोजपुर के दिलीप सिंह बने देश के हीरो। पीएम ने मन की बात में किया जिक्र। दिल्ली में साफ हवा और खेल के मैदान के लिए खिलाड़ियों ने मास्क पहनकर अनोखे अंदाज में लगाई दौड़। कोई भूखा ना सोए के मंत्र के तहत काम करने वाली रोटी बैंक ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोगों के घर घर जाकर गरीबों के लिए रोटी मांगने का चलाया अभियान। दिल्ली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। न्यू रोहतक रोड पर बस और स्विफ्ट डिजायर में भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रिटायर्ड ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की पीट पीट कर हत्या। 6 आरोपियों को दो पुलिसकर्मियों ने भी शामिल। अलवर में घरेलू विवाद में पति पत्नी ने की खुदकुशी की कोशिश। पत्नी ने लगाई आग। सूखे कुएं में कूदा पति। दोनों की हालत गंभीर। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में छेद करके की जा रही थी तेल की चोरी। कबाड़ की दुकान की आड़ में हो रहा था गोरख धंधा। कबाड़ की दुकान से 15 फीट गहरी सुरंग बनाकर की जा रही थी तेल की निकासी। पुलिस को आरोपियों की तलाश। अमेरिका के उत्तरी टेक्सास में तूफान से हुई भारी तबाही। अब तक 11 लोगों की मौत। खराब मौसम की वजह से 400 उड़ानें रद्द। तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित गारलैंड और डलास के इलाके। मकानों को भारी क्षति। अमेरिका के न्यू मेक्सिको में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क पर जमी 2 फीट मोटी बर्फ की चादर। भारी बारिश से उत्तरी ब्रिटेन के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। बोट और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला गया। कई इलाकों में सेना तैनात। चीन में आतंकवाद के खिलाफ बना नया कानून। नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थायी समिति ने चीन के पहले आतंकवाद विरोधी कानून को दी मंजूरी। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित। दुबई में हुआ समारोह का आयोजन। बैंगलोर में आज विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। दिल्ली और गुजरात के बीच खराबी बढ़ंग। ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में गई मेलबर्न टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने 551 रनों पर घोषित की पारी। पहली पारी में वेस्टइंडीज के 6 विकेट सिर्फ 91 रन पर गिरे। एंटी डोपिंग कोर्ट जांच में पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह पाए गए संदिग्ध। ICC ने यासिर शाह को किया सस्पेंड। लंबे समय के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हुए फिट। पश्चिम बंगाल के खिलाफ खेलेंगे 2 मैच।
एक तस्वीर, एक एक राज पार्टी का, अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे